आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो ये बिल्कुल 100% एड्स फ्री चैनल है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने इसका क्रैश कोर्स सीरीज देख लिया है, इस चैप्टर का हम वेटेज भी समझ चुके हैं, काफी अच्छा वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन आज तक ईजी ही पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये एनसीईआरटी का पार्ट। इसमें आपको दो बातों का याद रखना है, एक तो मैंने इसमें येलो हाइलाइटर का यूज किया है जिससे वो चीजें अंडरलाइन है जो एग्जामों में पूछी जा सकती हैं, और एक ऑरेंज या रेड टाइप का हाइलाइटर है जिससे मैंने वो चीजों को अंडरलाइन किया है जो पिछले साल एग्जामों में पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये पार्ट। तो ये हमारा शुरू का जो पार्ट है, पहले हम बात करेंगे जो बेसिक चीजें होती हैं रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसकी। जैसे आप यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के बारे में देख रहे हैं, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, सबसे फर्स्ट स्टेज तो यही होता है ना। इसके बाद इनसेमिनेशन होना, जब मेल के जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में आते हैं, डेट प्रोसेस इज नोन एज इनसेमिनेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, फिर मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है आपस में दोनों का फ्यूजन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा जाइगोट का, ब्लास्टोसिस्ट जो है, फिर इसके बाद गेस्टेशन पीरियड चलेगा जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, इसके बाद पार्चुरेशन बर्थ होगा। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में प्रोसेस चल रहा होता है, तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा, तो काफी अच्छे से इस पर गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछा जाएगा इसका, तो ये पेल्विस रीजन में इसका लोकेशन होता है। अब किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो एक टेस्टिस प्रेजेंट होगा जो कि पेयर ऑफ टेस्टिस है। इसके बाद और कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगे जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स वगैरह होंगे मौजूद, और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें मौजूद होगा। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, ये लाइन यहां से पूछा गया है तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे टेस्टिस है वो सिचुएटेड कहां होते हैं, तो ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी मींस स्क्रोटम ये सिचुएटेड होते हैं। स्क्रोटम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सिचुएटेड होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, स्क्रोटम में क्यों हुआ, बॉडी में क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पे वो हो पाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे ये चीज पूछी गई एग्जाम में, AIPMT 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपसे सेप तो कोई नहीं पूछेगा कि सेप क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका होता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आपसे कंपार्टमेंट पूछे जाएंगे, इसके अंदर टोटल कितने नंबर इसके होते हैं, तो ये 250 कंपार्टमेंट टोटल पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो जिन्हें टेस्टिकुलर लोबुल्स बोला जाता है। इसके आगे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की नंबर है, तो वो बिल्कुल नंबर आप याद रखेंगे, 1 से 3 उनका नंबर ये होता है। इसके बाद जो मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स, दोनों सेल्स काफी खास हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तो होता है हमारा मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिसमें माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन होता है, तब जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सर्टोली सेल्स होते हैं, एक किसी भी मैमिलियन टेस्टिस के बड़े ही खास फीचर हैं सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल्स है ना, जो डेवलपिंग जर्म सेल्स हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का यही काम करते हैं, तो न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कराएंगे, तो जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब दो तरह के यहाँ पे सेल देख सकते हैं, एक तो लेडिक सेल है। तो लेडिक सेल कहाँ होते हैं, तो इंटरस्टिशियल स्पेस पे होते हैं। लेडिक सेल का मेनली जो काम होता है वो एंड्रोजेन का सिंथेसिस करना। अब बिल्कुल मेरी बातों को सिर्फ गौर से कीजिए, सुनिएगा, हाइलाइटर मैं नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं हाइलाइटर यूज करने से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो बिल्कुल गौर से इस एनसीईआरटी के लाइनों को बिल्कुल देखते चले जाइए। इसके बाद कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स इसमें मौजूद होते हैं। आखिर ये सेल्स क्या होते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन्स जो डिजीज काउज करते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कौन से सेल्स प्रेजेंट थे। अभी एनसीईआरटी का आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है, एक सेक्शनल व्यू आपको मेल जो पेल्विस रीजन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको दिखा रखा है, और ये जो नीचे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक आपको टेस्टिस का भी इसमें पार्ट दिखा रखा है ओपन कर, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है आपके सामने। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होते हैं उनमें जर्म सेल के रूट आखिर क्या होते हैं,
तो सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म बना, वो अपना रास्ता बनाते हुए रेटेड टेस्टिस में जाएगा। रेटेड टेस्टिस, अभी टेस्टिस के अंदर ही बात चल रही है। इसके बाद वासा इफ्रेंसिया मिस टेस्टिस को छोड़ चुका है। इसके बाद एपिडिडाइमिस की बात चल रही है, मिस टेस्टिस के बाहर की बात चल रही है। एक 6 मीटर की लंबी सी पाइप है जिसमें पहली बार स्पर्म मोटाइल हुआ है। इसके बाद वास डिफरेंस में वो चला गया जो कि 45 सेंटीमीटर का लगभग होता है। अब यह स्क्रोटम भी छोड़ चुका है, अब यह एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर चुका है। इसके बाद सेमिनल वेजाइकल्स और वास डिफरेंस दोनों आकर इजेकुलेटरी डक्ट में मिलते हैं, और इजेकुलेटरी डक्ट से फिर यूरेथ्रा और एक तो यूरिनरी ब्लैडर का भी पाइप आ रहा है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से पेनिस, पेनिस से यूरेथ्रल मेटस, और यूरेथ्रल मेटस से एजुकुलेशन हो जाएगा सीमेन का। ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बताया, समझ में आ चुका होगा। ये लास्ट पार्ट हमारा रहा यूरेथ्रल मेटस। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये रूट जरूर आप याद रखिएगा, रूट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, रूट हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जामों में ये पूछा जाता रहा है, तो इसे याद रखिएगा। नीट 2016 में ये पूछा गया। इसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो अभी मैंने जिक्र किया था आपसे इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह के बारे में, वहां पे ये चीजें दे रखी हैं। तो स्पर्मेटोजोआ देखिए आप, स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। इसके बाद पेनिस के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होता है, कुछ स्पेशल टिश्यूज के बने हुए हैं। मैं आपको टिश्यूज के नाम तो ऐसे याद नहीं रखने हैं, ऐसे कॉर्पर कैवर्नोशा होता है और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम वगैरह होते हैं, जो मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कुछ टिश्यूज मौजूद हैं। इनके बाद जो इरेक्शन है उसमें एएनएस हेल्प करता है इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। जो इसके इनलार्ज एंड होते हैं इनको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, जो कि फोरा स्किन से जो लूज प्रिप्यूस होता है उससे बिल्कुल इनकी कवरिंग होती है। एक बिल्कुल इरेक्टाइल कॉपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है हमारा जो पेनिस है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, कुछ मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होते क्या क्या है। एक तो आपको पेयर्ड सेमिनल वेजाइकल्स दिख रखा है। इसके बाद पेयर्ड सेमिनल वेजाइकल्स के बाद आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखा है और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा आखिर होता क्या है, सेमिनल प्लाज्मा आखिर बना कैसे, आप ये बताओ। सेमिनल वेजाइकल्स के कुछ सेक्रेशन हैं जिसमें सेमिनल फ्लूड है, जिनमें 60% पार्ट सीमेन का होता है, जैसे फ्रक्टोज फाइब्रिनोजेन वगैरह। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूड आया और कॉपर्स ग्लैंड से कुछ ऐसे पार्ट आए जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। सब मिलकर एक बना है सेमिनल प्लाज्मा, आखिर होगा क्या इसमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें होगा क्या, तो फ्रक्टोज होगा, ये याद रखिएगा, इसमें फ्रक्टोज होगा, इसके अलावा कैल्शियम होंगे और कुछ एंजाइम भी इसमें शामिल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे एपीएमटी 2009 में पूछा गया है, इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं। आपसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पूछा जाएगा, जो कि पेयर्ड होते हैं, इन्हें कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में ये मदद करते हैं। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सबसे जो अभी तक जो इससे मानो कि एनसीईआरटी से जो बाहर क्वेश्चन आया है वो कैपेसिटेशन से रिलेटेड आया है। ये कैपेसिटेशन कहाँ होती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है। ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में आपसे 2015 में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आप तो जानते ही हैं ओवरीज के पेयर्स होते हैं, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को बोला जा रहा है, और यूट्रस है, सर्विक्स वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हम सब की बात करेंगे, और इनके साथ ही मेमरी ग्लैंड होता है। तो सब मिलकर कहीं ना कहीं जो बर्थ है, जो चाइल्ड केयर है, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, सबका एक अहम रोल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो आप तो जानते हैं ना, जो ओवरीज होते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इसके अलावा जो भी पार्ट दे रखे हैं वो एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। कितने ओवरीज हैं, तो वन पेयर हैं ओवरीज के। लोकेशन कहाँ है, तो एब्डोमेन के लोअर साइड में है, दोनों साइड मौजूद होंगे। कनेक्शन किससे है, तो पेल्विक वॉल से है और यूट्रस से भी है, जो कि लिगामेंट से अटैच है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे ओवरियन हॉर्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा दो पार्ट होते हैं इसके ओवरी के। अगर हम ओवरी की साइज देखें तो 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक तो एपिथेलियम होता है और इसके अलावा ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर आउटर और इनर पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को तो पेरिफेरल बोला जाता है, इनर पार्ट को स्ट्रोमा बोला जाता है। आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। इसके ही अंदर तो ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फीमेल पेल्विस का, ये पूरा का पूरा पार्ट है आपके पास। प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन काफी अहम रोल होता है प्रेगनेंसी के दौरान,
जब बच्चे होते हैं तो प्यूबिक सिंफाइसिस मैंने आपको बताया है स्केलेटन सिस्टम में, आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ओविडक्ट को मैंने बताया आपको फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब का अगर लेंथ देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट, जो सबसे फेलोपियन ट्यूब से नजदीक वाला पार्ट है, या कहें ओवरी से सबसे नजदीक वाला पार्ट है, तो वो इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है, एक फनल से पार्ट होता है, और इसके जो एजेस होते हैं ना, जो इसके किनारे होते हैं, उन पे फिम्बरी मौजूद होते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनका काम होता है ओवुलेशन हो चुका है, अब अंडे को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, अब ओवम को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। इसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो एम्पूला आता है, जो कि डायलेटेड पार्ट है, जो कि वाइडर पार्ट है। आप इसमें एनसीईआरटी का डायग्राम है, बेहतरीन सा डायग्राम, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसकी लेबलिंग जरा अच्छे से देख लीजिएगा, कहां पे कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं, जैसे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आप एम्पूला देख रहे हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जिसको स्थमस बोला जाता है, जिनका जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल नैरो होता है, जो आगे चलकर यूट्रस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, और जो एम्पूला और स्थमस, इसी को तो बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, जो फर्टिलाइजेशन का सबसे बेस्ट साइट होता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, बोल दिया आपने फेलोपियन ट्यूब, लेकिन पूछा जाएगा फेलोपियन ट्यूब में भी क्या है, तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यूट्रस को वॉम्ब भी बोला जाता है। अगर हम इसका शेप का बात करें तो इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ये सपोर्टेड होते हैं लिगामेंट से, जो कि पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं, और जो विजाइना का रास्ता है और यूट्रस, दोनों के बीच में सर्विक्स होता है, तभी तो विजाइना और सर्विक्स दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसके बाद जो यूट्रस के वॉल है ना, इसमें बिल्कुल तीन लेयर्स मौजूद होते हैं, तीनों लेयर्स जो है टिश्यू के लेयर्स हैं। जो पहला लेयर है, जो कि सेरोसा का बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, जिसको एक्सटर्नल थीन होता है, एक्सटर्नल लेयर है, थीन मेम्ब्रेनस लेयर होता है, पेरीमेट्रियम इसे हम बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, दैट इज मायोमेट्रियम, मायो बोले तो मसल्स, मीन्स ये लेयर जो होगा ना, स्मूथ मसल्स के लेयर बने हुए होते हैं, मिडिल लेयर ये बिल्कुल होते हैं। इनका काम है जब बच्चों का डिलीवरी हो रहा है उस समय कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, लार्जेस्ट अनस्ट्रिप्ड मसल्स आपसे पूछा जाए कहां होते हैं, तो यूट्रस के वॉल में होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद लास्ट सबसे पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अहम रोल भूमिका, अहम जिसका रोल रहा है, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होता है वो यूट्राइन कैविटी को लाइन करने वाला होता है साइक्लिक चेंजेस के दौरान, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस आते हैं, सबसे इनर लेयर होता है, सबसे ग्लैंडुलर लेयर होता है। अब बात आती है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल का, हम उसकी बात करेंगे, जिसे वल्वा बोलता है। अगर पूरे को कंक्लूड करें तो वल्वा बोलते हैं। इसमें टोटल चार पार्ट आते हैं। पहला पार्ट की बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में, जो कुछ पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आया है मॉन्स प्यूबिस के बारे में, तो ये याद रखिएगा, ये नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है मॉन्स प्यूबिस के बारे में, मैच द फॉलोइंग में। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें, सॉरी, इसके बाद हम मॉन्स प्यूबिस के बारे में जानते हैं। ये फैटी टिश्यू के होते हैं, कुशन होते हैं, बिल्कुल गद्दे जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्किन और प्यूबिक हेयर से बिल्कुल ये कवर्ड किए जाते हैं। इसके बाद लैबिया मैनोरा की बात करते हैं, तो लैबिया मैनोरा जो है ये टिश्यूज के पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं, ये बिल्कुल लैबिया मेजोरा के नीचे होते हैं। अब लैबिया मेजोरा बड़ा है तो लैबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड्स हैं टिश्यू के, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को बिल्कुल चारों तरफ से सराउंडेड किए हुए है। इसके बाद बारी आती है क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस क्या होता है, तो होमोलोगस होता है, ये पेनिस के ही टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों लैबिया मैनोरा है उसके बीच के जंक्शन में मौजूद होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद क्लाइटोरिस की बात करेंगे, कर लिया हमने। इसके बाद हाइमेन के बारे में, हाइमेन एक सिंपल सा कुछ नहीं, वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसके ऊपर एक पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, जो कि फर्स्ट क्वाइटस के बाद ये ब्रेक टूट जाता है, चाहे तो सडन फॉल से हो सकता है, वेजाइनल टेम्पॉन से हो सकता है, चाहे साइक्लिंग से हो सकता है। तो यही बात है कि रिलायबल इंडिकेटर वर्जिनिटी का नहीं है, चाहे प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, इससे हम वर्जिनिटी के लिए इंडिकेशन नहीं मान सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये आपका मेमोरी ग्लैंड का यहाँ पर फोटो दे रखा है, एक सेक्शनल व्यू आपको दे रखा है, तो ये डायग्राम बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे मिल्क का फ्लो हो रहा है, कैसे जाता है मिल्क, वो भी हम बात करते हैं। तो ये देखिए, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की हम बात करेंगे, जो कि मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जितने भी फीमेल्स मैमल्स होते हैं सारे में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ये बात याद रखिएगा। पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के बने हुए हैं, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इनमें मौजूद होता है।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है किसी भी फीमेल का, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन होता है, मॉडिफाइड स्यूट ग्लैंड इसे बोला जाता है। अब बिल्कुल इनका डिवीजन देखेंगे, जब ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है ना तभी इनका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है मेमरी ग्लैंड का। अब ब्रेस्ट का डिवीजन हुआ है 15 से 20 मेमरी लोब्स में, अब देखिएगा डार्क सेंटर लाइन है ये। इसके बाद जो क्लस्टर्स होते हैं सेल्स या एल्वियोलाई जिन्हें कहा जाता है, वही तो मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, और जब बहुत सारे मिलते हैं जो जाकर मेमरी ट्यूबल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारे ट्यूबल्स मिलते हैं तो मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारे मेमरी डक्ट मिलते हैं तो एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे एम्पुला मिलते हैं तो लैक्टिफेरस डक्ट बनते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है वो निपल में जाकर खुल जाता है, और वहीं से बच्चे बेबी जो होते हैं सकिंग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी अगर लैक्टिफेरस लैक्टो लैक्टिक बात की जा रही हो मिल्क से ही वो रिलेटेड चीज होगा। इनसे एक कोलोस्ट्रम निकलता है जिनका चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे, जिनमें आईजीए वगैरह होता है। अब बात आती है गैमेटोजेनेसिस की, तो आखिर होते क्या है ये गैमेटोजेनेसिस, मींस क्या कहें, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। बिल्कुल हाँ, तो इनमें कौन कौन से हार्मोन हेल्प करेंगे, जैसे जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, कुछ विटामिन भी इसमें हेल्प करते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई वगैरह। तो ये तो डिटेल में आप पढ़ते ही हैं इसे, लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन इतना डिटेल नहीं पूछे जाते, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस बने हैं। गैमेटोजेनेसिस एक तो हम मेल में बात करते हैं और एक फीमेल में बात करते हैं। मेल में टेस्टिस में होगा, सिनेफेरस ट्यूबल में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे उसे, फीमेल में ओवरीज में होगा जिसे हम ओजेनेसिस बोलेंगे, इसमें ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। तो चलिए पहले देखें हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी का वक्त आएगा उस समय से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोगोनियम की, जो कि डिप्लॉयड सेल होता है, जहां की जो इमैच्योर जर्म सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से में ग्रोथ हुआ, माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, वो भी डिप्लॉयड है, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जो कि हैप्लॉयड नेचर के होंगे, लेकिन दो होंगे, उनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन चला तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि चार बनेंगे, हैं हैप्लॉयड नेचर के। फिर उसमें स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो स्पर्मेटोजोआ बना, स्पर्मेटोजोआ जिसे स्पर्म बोलते हैं, जिनके जो हेड होंगे वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं। इनके बाद स्पर्मिएशन होगा, स्पर्मिएशन का मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उससे ये जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से निकले इन्हीं चीज को सेमिनेशन बोला गया। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले स्पर्मिएशन होगा, इसके बाद सेमिनेशन होगा, इसके बाद इजेकुलेशन होगा, और इसके बाद इनसेमिनेशन होगा। पूरा का पूरा पार्ट आपको क्लियर होगा, ये जरूर याद रखिएगा, डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ चुका होगा आपको। इसके बाद हम कुछ हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, बढ़ेगा एंटीट्री पिट्यूटरी को बोलेगा। आपके पास तो दो चीजें हैं, एक तो एलएच है और एक एफएसएच है। लेडिक सेल, तुम एलएच निकालो। लेडिक सेल का काम है एंड्रोजेन बनाना, टेस्टोस्ट्रोन बनाना, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ये बढ़ावा देता चला जाएगा। एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करेगा, ये कंट्रोल करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्म डिफरेंशिएशन को। सर्टोली सेल्स का बस इतना ही काम है, कुछ ये फैक्टर्स को रिलीज करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में ये मदद करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर दे रखे हैं, सम फैक्टर एएमएच है, एंटीमुलेरियन हार्मोन होता है, बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी होते हैं, इनहिबिन वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। आप तो सिर्फ फैक्टर नाम याद रखना काफी है यार। अब ये देखिए, आपको एक स्पर्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में चार चीजें होते हैं, सुनिएगा गौर से। पहला चीज जो है हेड है, जो कि हैप्लॉयड नेचर का होता है, जिनमें न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, एक्रोसोम इसमें मौजूद होते हैं। अब इनमें लाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके नीचे अगर आप देखो तो नेक है ना, नेक में जनरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियल कैपलाई का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मिडिल पीस की बात करते हैं, जो कि एनर्जी चैम्बर जिसको बोलते हैं, है तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया। नेबेनकन सीड पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म तो मिलेगी एनर्जी से ही तो। और लास्ट में टेल है, पूरे जो बॉडी है स्पर्म का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होता है। अगर हम इसकी वायबिलिटी की बात करें, कुल 24 घंटे हैं वक्त इसके पास। तो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको कवर कर दिया। अब इसके आगे, कोई भी ह्यूमन है अगर उसका एवरेज स्पर्म काउंट की बात करें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन में आते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें, उसमें 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और 40% स्पर्म के पास विगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए, गजब की स्पीड होनी चाहिए 40% स्पर्म के पास। इसके बाद
ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी पीडीडाइमिस से सेक्रेशन हो रहा है, चाहे वास डिफरेंस से हो और सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से हो, सारे स्पर्म को ही बनाने में लगे हैं, सारे स्पर्म के मैचुरेशन में ही लगे हैं, सब मोटिलिटी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट था काफी क्लियर हो चुका है। टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन तो मदद करते ही करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओजेनेसिस के बारे में, जो कि फीमेल में ये प्रोसेस चला है, फीमेल में भी बनाने की कोशिश की जा रही है, एक फीमेल मैच्योर गैमेट बन जाए, तो इसी फॉर्मेशन को हम ओजेनेसिस बोलते हैं। काफी अलग है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से। इनिशिएशन तभी हो जाता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, जन्म के बाद एक ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके आगे हम बात करें, अब जैसे देखिए शुरू में कोई जो सेल्स होते हैं ना, उनको प्राइमरी जो जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोला जाता है, उनमें माइटोसिस होगा ना, तो वो उगोनिया बनते हैं। उगोनिया खुद ही रखा है, जिसमें जो डिप्लॉयड नेचर के जनरली होते हैं वो सराउंडेड होते हैं जोना पेलोसिडा से। ये बड़ा स्टेज है, सब कुछ बन चुका है। इसके बाद सबसे पहले बात करें प्राइमरी ओसाइट के बारे में, जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स में मौजूद होते हैं। अगर प्यूबर्टी के वक्त की बात की जाए तो उस समय हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट म्यूटिक प्रोफेज चलेगा, जो कि तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक कि प्यूबर्टी कंप्लीट ना हो जाए या प्यूबर्टी आ ना जाए। इसमें जो लेयर्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के, वो प्राइमरी ओसाइट से वो बिल्कुल ये सराउंडेड रहेंगे, पूरा का पूरा जो प्राइमरी फॉलिकल्स होगा। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो उसमें होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जाएंगे हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। थीका लेयर्स इसमें मौजूद होते हैं पूरे प्राइमरी फॉलिकल्स में, इंटरना और एक्सटर्ना। अब बन चुका है सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्शियरी फॉलिकल्स को आप पहचानोगे कैसे, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। हम देखेंगे एंट्रम है या नहीं, कोई फ्लूड वाला कैविटी है या नहीं। इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स बन चुका है, अब मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल्स बनना चाहिए, जिसे ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, जो कि ओवुलेशन के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा बिहेव करता है। इसके बाद इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, और ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल रप्चर कर जाते हैं। अब ओवुलेशन हुआ है, इसमें से दो चीजें रिलीज हुई हैं, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगा बहुत ही छोटा होता है, डिजेनरेट कर जाएगा, दो डॉटर पोलर बॉडी बनेंगे, अनवांटेड क्रोमोसोम ना आए इसलिए तो पोलर बॉडी बना, तो ये चीजें चलेंगी। अब जो सेकेंडरी ओसाइट बनी है ओवरी में से जो निकली है उनका ही ओवुलेशन होगा, उसमें से एक ओवम और दो पोलर बॉडी बनेंगे। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, देखो लिखा भी तो है, काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो एक प्राइमरी ओसाइट का मतलब समझना है एक ओवा बनेगा। तो सबसे लंबा आपसे फेज पूछा जाएगा तो ग्रोथ फेज है। सबसे अगर ह्यूमन में पूछा जाए, ओजेनेसिस तो सबसे लंबा ग्रोथ फेज चलता है, लेकिन ह्यूमन के केस में सबसे लॉन्गेस्ट मैच्यूरेशन फेज चलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने क्लियर कर दिया है, गजब का एक डायग्राम है, आपको सब कुछ बता रखा है इसमें, कैसे ये फॉर्मेशन चला है ओवरी के अंदर, ओवुलेशन मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इस स्ट्रक्चर में आपको बता रखा है कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस चला और कैसे ओजेनेसिस चला। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले आप गौर से सुनिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चलता है, जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में, 3 से 5 दिनों का यह साइकिल होता है। जनरली ये साइकिल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज अगर हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि हाँ जिंदगी सही चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज बिल्कुल सही चल रहा है। पूरे अगर जिंदगी में बात करें तो फीमेल्स के अंदर 450 ओवा निकलेंगे। मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अगर कोई भी मेंस्ट्रुएशन सिंपल सा अगर हो रहा है तो समझना नहीं है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ये सिंपल सी चीज है, अगर हमें जो इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनार्क के बारे में। मेनार्क क्या होता है, फर्स्ट मेंस होता है जो प्यूबर्टी के वक्त स्टार्ट होती है। एवरेज इंटरवल अगर देखें तो 28 से 29 दिनों का ये पूरा का पूरा चलता है, तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोलते हैं। इनमें मेनली 3 फेज होते हैं, आप शुरू में ही जान लें। ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिनों का, प्री ओवुलेटरी फेज जिसे प्री फॉलिकुलर फेज आप बार बार इसमें देखिएगा, और 8 से 9 दिनों का, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो ओवुलेशन के बाद होता है वो जनरली 14 दिनों का ही होता है। ये आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की गई है इसमें, तो ये डायग्राम में आपको FSH, LH वगैरह का लेवल दे रखा है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से देखिएगा। इसके बाद
कुछ मेजर इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 3 से 5 दिनों का मैंने आपको बता ही रखा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह है तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटेगा वो मैंने आपको बता ही रखा है। एक चीज आपको गौर से ध्यान देना है कि लगभग जो मेंस्ट्रुअल फ्लूड होते हैं वो कभी क्लॉटिंग नहीं होगा उनमें, और एवरेज 40 से 80 ml ब्लड जो है हर एक साइकिल में वो ब्लड का बिल्कुल उसमें लॉस होता है। तो ये मैंने आपको जो बेसिक चीजें थी इसके बारे में वो मैंने आपको बता रखा है। लैक ऑफ अगर मेंस्ट्रुएशन है तो प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है, कारण कई हो सकते हैं, जैसे अगर किसी का पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस किसी ने अगर ले लिया तो उसमें भी ये चीजें होती हैं। मेंस्ट्रुएशन जनरली तभी होता है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तभी। कुछ बातें हैं इसमें, आप इस पर गौर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, 3 फेज मैंने आपको बता ही रखे हैं। एक तो ब्लीडिंग फेज होता है, यहाँ जो हार्मोन दे रखे हैं ना, यहाँ ये सारे हार्मोन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं हार्मोन, जैसा कि इसमें आपको LH दे रखा है और FSH दे रखा है। तो LH और FSH ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं। जब पीक लेवल होता है 14th डे, तो उस समय LH और FSH बिल्कुल पीक लेवल पे होते हैं, तो इन्हें LH सर्ज बोला जाता है। कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है, LH सर्ज कई बार आता है ये, ठीक है। इसके बाद ओवुलेटरी फेज की बात चल रही है, फिर इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम को ही तो बोला जाता है, इसमें से ही तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, न जाने कितनी बार पूछे गए ये क्वेश्चन एग्जामों में। इसके बाद अगर कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा, जो कि एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में काफी जरूरी है। अगर नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम, मिस प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, मिस मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, न जाने कितनी बार ये पूछे गए एग्जाम में। इसके बाद प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल के एज में आकर बिल्कुल सीज हो जाती है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। अगर साइकिल की मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यही तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक बिल्कुल सही इंडिकेशन होता है। मैं आपको कुछ हार्मोन के नाम बताऊं, आप इसको याद रखिएगा। पहला हार्मोन का नाम मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये, एस्ट्रोजन। कहां से निकलेगा? तो थीका इंटरना से निकलेगा, और भी कई सोर्स हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से भी हल्का फुल्का निकलता है, प्लेसेंटा से भी, ग्रैनुलोसा सेल से भी। आगे प्रोजेस्टेरॉन, जिसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोला जाता है, मेन सोर्स इसके रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आगे चलकर प्लेसेंटा इसका कार्य प्रभार सौंप लेते हैं, ले लेते हैं। इसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है उनका कॉपरेशन करता है एस्ट्रोजेन, इंडोमेट्रियम को बनाने में काफी मदद करता है, तो इतना आपको बता रखा है मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन बड़ा ही सिंपल, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं मिस स्पर्म और ओवा, इसी चीज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। साइट मैंने आपको बता रखा है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, वही चीजें यहां दे रखी हैं। दोनों को एक साथ आना होगा, मिस स्पर्म को और ओवम को साइमल्टेनियसली आना होगा। हर एक कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, हर एक कॉपुलेशन में प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं होती, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो यहाँ पे दे रखा है, कैसे ये चलेगा, तो ये पूरा का पूरा एक लंबा सा सीक्वेंस है, मैं एक बार आपको बोलता चला जाता हूं तो आप याद रखिएगा उसको। सिंगैमी, पहले सिंगैमी होगा, मिस फ्यूजन होगा, सिंगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी के बाद एम्फीमिक्सिस होता है। जोना पेलुसिडा काफी खास है, स्पर्म इसी से तो चिपकते हैं जोना पेलुसिडा के ओवम से, स्पर्म जब इसमें बाइंड करेंगे तो इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा, एक्रोसीन रिलीज होगा, जिसको जोनालाइसिन बोलते हैं, फिर पेनिट्रेशन करेगा, इसी चीज को तो आगे सिंगैमी आगे चलकर बोलेंगे। ये पूरा का पूरा आपको जो सेल है वो इसमें दिखा रखा है, कुछ स्पर्म है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें, इसमें सेकंड पोलर बॉडी वगैरह दिखा रखा है, इसमें रिलीज हो जाएगा। जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ ना, सेकेंडरी ओसाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस सेकंड, अब जो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट वगैरह हो गई है, इसके बाद सेकंड पोलर बॉडी जो होते हैं वो इसमें रिलीज हो जाते हैं। तो मेनली आपको तो यहाँ पर XX और XY ही दे रखा है, तो जनरली जो XX होते हैं वो फीमेल और XY होते हैं मेल, तो बचपन से आप जानते आ रहे हो। हाँ, तो इसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है, क्लीवेज किसको बोलते हैं, सेलुलेशन को बोलते हैं। सेगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्थमस से यूट्रस की तरफ ये बढ़ते आ रहा है। रिपीटेड माइटोटिक डिविजन चल रहा होता है, जायगोट से भी इम्ब्रियो बनना है, जायगोट जो कि यूनिसेलुलर था, अब इससे हम पढ़ेंगे इम्ब्रियो में, जो कि 16 सेल्ड स्टेज होता है। क्लीवेज के दौरान इंटरफेज तो बहुत ही शॉर्ट होता है, G1 और G2 दोनों अब्सेंट होते हैं, और एस फेज जो होता है
वहाँ डीएनए डुप्लीकेशन चल रहा होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा, जो सेल बने हैं अब उन्हीं को हम ब्लास्टोमेयर बोलेंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे, साइज घटते जाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, साइज में घटते जाएंगे। इम्ब्रियो का जो साइज है वो बिल्कुल गैस्ट्रुला स्टेज तक वो बिल्कुल सेम रहता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ नंबर बढ़ते जाएंगे, साइज घटते जाएंगे। एक से दो सेल बने, दो से चार सेल बना, चार से आठ सेल बना, 8 से 16 और 16 से 32 ब्लास्टोमेयर का यहां पे फॉर्मेशन हुआ है। अब ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम में यूट्रस की तरफ बढ़ते हुए इस्थमस से आपको दिखा रखा है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक स्टेज है जिसे हम मोरूला बोलते हैं। जब इम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमेयर का होता है, इसे ही हम बोलते हैं मोरूला। एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लगता है हमें मलबेरी मिल गया। इसके बाद ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला का स्टेज है, 32 से 64 ब्लास्टोमेयर होते हैं। आपको एक चीज याद रखना होगा, यहाँ पे जो इनर सेल मास होते हैं वही आगे चलकर डिफरेंशिएट करते हैं एम्ब्रियो में, इनमें आगे चलकर स्टेम सेल भी बनाते हैं जो कि टिश्यू और ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। बीच में कैविटी होती है जिन्हें हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, जो कि एक साइजोजिनस कैविटी होती है। अब जो आउटर लेयर है जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट बोला जा रहा है, तो ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट से अटैचमेंट के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो बिल्कुल कवर्ड हो जाते हैं यूट्रस के बिल्कुल डिवाइडिंग सेल्स हैं उनसे। अब ब्लास्टोसिस्ट जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसमें जाकर इम्बेडमेंट हो जाएगी उनकी, इसी को तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया मीन्स समझना है प्रेगनेंसी हो गया। जनरली ह्यूमन बींग्स में इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन होती है, मीन्स जो फंडस वाला पार्ट होता है वही ये चीजें चल रही होती हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कुछ हम प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा। इम्प्लांटेशन के बाद कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं तो, और ट्रोफोब्लास्ट जो पे जो अपीयर होते हैं जिन्हें कोरियोनिक विली बोला जाता है, कोरियोनिक विली प्लस यूटेराइन टिश्यू जो एंडोमेट्रियम में है, तो आगे चलकर ये फॉर्मेशन करते हैं प्लेसेंटा का, जो कि वैस्कुलर कनेक्शन होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच। पूछा जाएगा आपसे प्लेसेंटा काम क्या करता है, बहुत बार पूछा गया है, रिस्पायरेशन में, एक्सक्रेशन में, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करने में, इंडोक्राइन मीडियम प्रोवाइड करने में। अब इंडोक्राइन कैसे है, तो इंडोक्राइन ऐसे है क्योंकि इसमें से एससीजी निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इससे प्रेगनेंसी भी चेक हो जाती है, प्रेगनेंसी हुई है या नहीं जब यूरिन में ये पास हो रहा होता है। नेक्स्ट है एचपीएल जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन बोलते हैं, इसके अलावा एस्ट्रोजेन है, प्रोजेस्टोजेन है। इसके बाद प्रेगनेंसी के फेज में एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त ही रिलीज होते हैं, जैसे कि एससीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन वगैरह, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान ही ये सब चीजें बनेंगे। और कुछ अलावा है प्रेगनेंसी में, जैसे एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन वगैरह, थायरोक्सिन वगैरह, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल के ब्लड में। जरूरत क्यों है, क्योंकि फिटस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक चेंज जो है मदर का उसके लिए ये जरूरी है, मेंटेनेंस प्रेगनेंसी का बहुत जरूरी है, तभी तो ये सब हार्मोन का काम चल रहा है बच्चों। तो ये आप समझ चुके हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीन जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो सबसे आउटर लेयर होगा उसे हम बोलते हैं इक्टोडर्म, जो इनर लेयर है एंडोडर्म, और जो बीच का लेयर है उसे मेसोडर्म बोलते हैं। इनर सेल मास से इनका फॉर्मेशन हुआ है, आगे चलकर ये गैस्ट्रुलेशन होगा तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। तो सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं गैस्ट्रुलेशन के, बिल्कुल अब सब कुछ तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको मैंने बताया ही इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, स्टेम सेल्स का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, टिश्यूज और ऑर्गन्स बनने लगे हैं। अब आगे कौन से महीने में क्या हुआ है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो गेस्टेशन पीरियड सिंपल सा एक पीरियड है जिसमें सारा जो मंथ का पीरियड है, प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ह्यूमन तो 9 मंथ बता रखा है, इसके अलावा डॉग का तो 60 से 65 दिन का होता है डॉग और कैट का, और एलिफेंट का जो होता है 600 से 650 दिन तक, मीन्स 1 साल के आसपास से कम ही होता है। इसके बाद पहले महीने में हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन यही होता है, हम स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुन सकते हैं। इसके बाद दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हुआ है, 12वें वीक में ज्यादातर मेजर सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है, 5वें महीने में फीटस का पहला मूवमेंट आया, मीन्स हेड पे हेयर्स आने लगे, 24वें वीक में फाइन बॉडी हेयर्स आने लगे, आई लीड का सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया, आई लेसेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, 9th मंथ में फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसे पार्चुरिशन बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन है, हार्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएटिव ऑर्गन कौन है, ब्रेन। तो इतना हो चुका है आपका। इसके बाद सबसे जो लास्ट का जो प्रोसेस है
वो है पार्चुरिशन। काफी इंपॉर्टेंट ये है, एक लेबर पेन जिससे बोला जाता है पार्चुरिशन। पार्चुरिशन के वक्त जो पेन आता है ये हार्मोनल प्रोसेस होता है, ये हार्मोन बच्चों से जनरेट होती है, चाइल्ड बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स इंडो न्यूरो मैकेनिज्म होता है इसमें, जो कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस या मैच्योर प्लेसेंटा से वो होता है। ऑक्सीटोसिन निकला जो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए निकला है, वहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, उससे जो रप्चर्ड प्लेसेंटा है तो उनमें से रिलैक्सिन निकलेगा जो कि बर्थ कैनाल को वाइड करेंगे और बाहर की तरफ बच्चा निकलता चला जाएगा, मींस बेबी का डिलीवरी हो चुका है। पार्चुरिशन जैसे ही खत्म हुआ अब मिल्क आना स्टार्ट हो चुका है, मदर मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुकी है, जिसको लैक्टेशन बोला गया है। लैक्टेशन से कोलेस्ट्रॉम आएगा, ये बहुत ही जरूरी है कोई भी हेल्दी बेबी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि IgA काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं कि जो भी हेल्दी बेबी हैं तो उनको जरूरत है, जो भी डिजीज हैं वो भी पीते हैं IgA मींस कोलेस्ट्रॉम, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं। अब ये हमारा खत्म हुआ चैप्टर, इसमें आप NCERT के क्वेश्चन जरा देखें। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं ना, हम लोग हायर फॉर्म हैं आगे की ओर। ह्यूमन विविपेरस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे बताओ आप, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। जायगोट कैसा नेचर का होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है तो सिंगल सेल लेकिन डिप्लॉइड होता है आगे की ओर। हाँ, प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन कौन से हार्मोन से इंड्यूस हुआ, LH luteinizing हार्मोन, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद फ्यूजन हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, क्या बना, जायगोट बना। फर्टिलाइजेशन हुआ कहां, एम्प्लोरा इस्थमस जंक्शन में हुआ। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, पूरा का पूरा सिंपल सा पार्ट है पूरा का पूरा, ये ट्रू फॉल्स आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे एंड्रोजेन वगैरह है सर्टोली सेल से बने हैं, गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है, लेडिक सेल बनाता है। स्पर्मेटोजोआ है न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से, बिल्कुल सही। लेडी सेल्स ओवरी में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। लेडी सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, बिल्कुल सही। ओजिनेसिस टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल गलत। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल प्रेफरेंस, बिल्कुल सही। ये लास्ट आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। यहाँ पर लास्ट में 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि कैसे होगा, तो मल्टीपल ओवुलेशन से होता है। 6 पपीज आते हैं फीमेल डॉग के, तो याद रखिएगा आप इसको, मल्टीपल ओवुलेशन। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। आप कंट्रीब्यूट करते रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक इसका दे भी रखा है, अकाउंट नंबर वगैरह। आप इसी तरह बिट्स फॉर बायोलॉजी को कंट्रीब्यूट करते जाइए, आगे आने वाले वीडियोज और भी अच्छे होते चले जाएंगे। मैंने एक लास्ट में इसमें अटैच कर रखा है स्लाइड, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।